नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कोरोना वायरस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, यह माना जाता है कि प्रत्येक 100 वर्षों के बाद एक महामारी का जन्म होता है। इसका रहस्य क्या है? ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसी महामारी आती है जिसमें लाखों लोग इस महामारी से प्रभावित होते हैं? तो आज हम आपको बताएंगे कि इसका रहस्य क्या है। दोस्तों, इसे प्रकृति का कहर कहें या कुछ और, हर 100 साल में एक बड़ी महामारी का प्रकोप होता है। जैसे कोरोना वायरस फैल गया है, महामारी फैलती चली जाती है, लोग इसकी चपेट में आते जाते हैं। प्रत्येक 100 वर्षों में मनुष्य को नई महामारी की दवाइयां ढूंढनी पड़ती हैं। ऐसा पिछले 400 सालों से हो रहा है। आइए जानते हैं महामारी कब कब हुई। 1720 में प्लेग पूरी दुनिया में फैल गया था। इसे मार्सिले के महान प्लेग के नाम से जाना जाता है। मार्सिले फ्रांस का एक बड़ा शहर है। मार्सिले में प्लेग के कारण 1,00,000 लोग मारे गए। प्लेग फैलते ही कुछ ही महीनों में 50,000 लोगों की मौत हो गई। शेष 50,000 लोगों की मृत्यु अगले 2 वर्षों में हो गई। फिर 100 साल बाद 1820 में हैजा ने एशियाई देशों में महामारी का रूप ले लिया। इस महामारी ने जापान, फारस की खाड़ी के देशों, भारत, बैंकॉक, मनीला, जावा, ओमान, चीन, मॉरिशस, सीरिया आदि को अपने कब्जे में ले लिया। 100 साल बाद 1920 में स्पैनिश फ्लू फैल गया। हालांकि यह प्रसार 1918 से था, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव 1920 में देखा गया था। कहा जाता है कि इस फ्लू के कारण पूरी दुनिया में 1.70 करोड़ से 5 करोड़ लोग मारे गए। कोरोना वायरस चीन में 2020 में शुरू हुआ था। अब इस बीमारी से दुनिया भर के 95 से अधिक देशों में 1,92,270 लोगों को संक्रमित किया है। कोरोना वायरस के कारण अब तक 3,816 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वैज्ञानिकों ने यहाँ तक दावा किया है कि इस साल के अंत तक यह वायरस खत्म नहीं होगा। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।